हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एक्यूटिंग द कोएफिशिएंट्स, पार्ट नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। 3x प्लस 2y इक्वल 11, 2x प्लस 3y इक्वल 4। पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर या तो y को करते हैं एलिमिनेट या x को करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए एक प्लस और माइनस होना ज़रूरी और सेम डिजिट होना ज़रूरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दें और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो सेम हो जाएगा। देन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 की मल्टीप्लाई 2 में की इक्वेशन नंबर 1 में डिमेंस और 2 की मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन नंबर 2 में की। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जा 9x, 3 2 जा 6y और 11 3 जा 33। इक्वेशन नंबर 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 4 2 जा 8। ये आपकी इक्वेशन 3 आई और ये 4 इक्वेशन आ गई। आपका जो y का टर्म है 6 और ये 6 इक्वल हो गया, बट अभी प्लस माइनस नहीं है। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मीन्स साइन चेंज होना। यू कैन सी ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। देन कैंसिल 9 प्लस का और 4 माइनस का, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे हम लोग 5x प्लस के, और 33 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 25 एंड x इक्वल 25 अपॉन 5, एक्स इक्वल 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इक्वल 11। x की वैल्यू आपके पास है 5, देन मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2y इक्वल 11। 3 5 जा 15 प्लस 2y इक्वल 11। 2y इक्वल 11, 15 का करेंगे ट्रांसपोर्ट इधर, माइनस का हो गया माइनस 15। 2y इक्वल 11 में से माइनस करेंगे 15, देन आपका आएगा माइनस 4 एंड y इक्वल माइनस 4 अपॉन 2 एंड y इक्वल माइनस 2। आपका आंसर आ गया x इक्वल 5, y इक्वल माइनस 2। आंसर को चेक भी कर सकते हैं आप। चेक करने का मेथड चेकिंग, कि आपका आंसर सही है या गलत है, इसका आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल 11। एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 5, वाई की वैल्यू रख दीजिए माइनस 2 इक्वल 11। 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, वो माइनस के 4 इक्वल 11। 11 इक्वल 11,
LHS इक्वल RHS। अगर आपको आता है तो आप करेक्ट हैं, अदरवाइज आपने कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। 11x प्लस 15y इक्वल -23, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 7x माइनस 2y इक्वल 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड। y को इलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और यहाँ -2 है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे और 15 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो दोनों ही आपके 30-30 हो जाएंगे। या देन 2 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे एंड 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, दोनों ही 30-30 हो जाएंगे। आपको लिखना होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 15 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 11 टू जा 22x, 15 टू जा 30y एंड -23 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड में करेंगे 15 की मल्टीप्लाई, 15 7 जा 105x, 15 टू जा 30y इक्वल 20 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 300। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। आपने देखा यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे आप एडिंग। एडिंग में जब करेंगे हम, एडिंग के अंदर ये आपका 30y और -30y कैंसिल हो गया, इसको ऐड करिए 7 2 1 127x इक्वल 300 में से 46 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 एंड 2। साइन प्लस का x इक्वल 254 अपॉन 127 एंड x इक्वल 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 11x प्लस 15y इक्वल -23। 11 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 आ चुकी है, प्लस 15y इक्वल -23। 22 प्लस 15y इक्वल -23। 15y इक्वल -23। 22 का हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इधर, माइनस का हो जाएगा 15y इक्वल माइनस के 45। y इक्वल -45 अपॉन 15 एंड y इक्वल -3। देन x इक्वल आपका आया 2 और y इक्वल -3। That's all.